रूस भारत एवं चीन मध्यरे मध्यस्थता करने को मना कर देछि, किंतु मस्को गस्तरे थिबा भारतर वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर बुझामणारे हेबो सामिल। भारत एवं रशिया वैदेशिक मंत्री माने अनेक प्रसंगरे आलोचना करिबे, सेतिमध्यरु द्विपाक्षिक एवं आंचलिक विषयगुड़िक उपरे आलोचना हेबो। तेबे रशिया सरकार भारत चीन सीमा विवाद उपरे आलोचना करिबा ठारु निजकु दूररे रखिछन्ती। रूस एहाकु दुई देशर अंतरीण प्रसंग बोली कहिछि, तेणु एथिरे हस्तक्षेप न करिबा ठीक बोली मतपोषण होइछि। तेबे भारत एवं चीन परस्पर सहित आपोस बुझामणा करिबाकु रूस उत्साहित करिछि। तेबे वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर आज रशियार राजधानी मस्कोरे पहुँचिछन्ती। से सांघाई ठारे सांघाई सहयोग संगठन एवं वैदेशिक मंत्री बैठक में जोगदेवे। एही बैठक व्यतीत जयशंकर रशियार वैदेशिक मंत्री सर्गी लाभ्रोव सह मध्य एक बैठक करिबे। तेबे एक भर्चुअल बैठक में दिल्लीर रशियन दूतावास डेपुटी चीफ रोमान बाबुस्किन कहिछन्ती जे जेपर्यंत उभय पक्ष आमको अनुरोध न करती से पर्यंत मस्को भारत चीन सीमा विवाद में हस्तक्षेप करिबो नाही। भारत एवं चीन निश्चिंत भावे सीमा विवाद को समाधान करने को आभिमुख्य ग्रहण करिबे बोली से आशा प्रकट करिछन्ती। जे जदियो रूस सरकार वर्तमान समय दुई देश मध्यरे विवादर समाधान प्रसंगे जोग देबे नाही, किंतु निश्चिंत रूपे दुई देश मध्यरे एक सकारात्मक वातावरण सृष्टि करने उपर ध्यान दिजा। ब्रिक्स एससीओ आरआईसी इत्यादि सम्मिलनी भारत एवं चीन मध्यरे चालितिबा उत्तेजना को कम करिबारे मध्यस्थता करिबारे पदक्षेप नेबे किर प्रश्नर उत्तर रे रशियार कूटनीतिज्ञ कहिछन्ती आनुष्ठानिक नियम अनुजाई प्रत्येक प्रसंग आलोचना हेबा उचित। तेबे समस्त अंशग्रहणकारी देश एही निर्दिष्ट प्रसंग उपरे आलोचना करबाकु प्रस्तुत हेले पारस्परिक क्रिया माध्यम रे विवादर समाधान होई परिबो। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।